देखा मैं मस्जिद जा रही हूँ, मस्जिद जाती हूँ, मैंने ऐसे ही जॉब लेकर जाना क्योंकि जगह की इज्जत करनी चाहिए. एग्जैक्टली जल्दी चलो, पापा की बात करना ना पड़े तो कोई नहीं निकल रहा, मुझे पता था नहीं निकला, निकलो. सबके लिए इसके साथ ऐसे ही प्यार कर रही हूँ, प्यार का तो जमाना ही है. बुशरा बात गाड़ियाँ मिली कहती हैं हाँ ये ओए ये तो वही है, तो मम्मा रुक कहती हैं जी जी जमीन में कफन मेला नहीं होता. Welcome to another day, welcome to Islamabad. Another vlog, Islamabad series का दूसरा vlog. लेकिन आपको मेरी आवाज़ से लग रहा होगा कि मैं अभी उठी हूँ. ये अपार्टमेंट में इतना शोर हो रहा है. मुझे पहले मैं सोचती थी कि ये शोर क्यों हो रहा है, सुकून वाली जगह पे हम लोगों ने लिया है, शोर किस चीज़ का. फिर पता चला यार ऐसे भी सड़क का हरी बने हुए. तो मैं आपको दिखाती हूँ कि यहाँ पे सबसे ज्यादा चीजें कॉमन हो रही है. ये देखे अंडे उबल रहे हैं और ये चीजें आई हुई है. अम्मा मेरी जो है ना वो किचन में खड़ी हुई है एज यूजुअल. यहाँ आके भी इन्होंने मुझे खाना पकाने पे लगा दिया. सुबह सुबह उठी हूँ, जाके नीचे से नाश्ते का सामान लेके आई हूँ, अब आके नाश्ता बना रही हूँ, अंडे बॉयल कर रही हूँ. सब मेरी मॉम ने अंडे बॉयल किए अपनी आलू लात के लिए. और आपको मैं बताऊँ की कमरा इतना सर्द हुआ पड़ा की मुझे ऐसा लग रहा है की बाहर का मौसम ऐसा हो ना हो, अंदर बहुत सर्दी लग रही है. सबको देने हैं दो दो अंडे, सबको आज मिलने हैं दो दो अंडे. वहाँ पे जाके मैं देखती हूँ कि लोग उठ के क्या कर रही हैं. हम लेट यहाँ पे ना, ऐसे नहीं लगा जैसे मैं अपने किचन में नहीं आई हूँ, ऐसे लग रहा है जैसे मुझे हर चीज को मैं जानती हूँ. सांबा वालों, तुम लोगों ने ऐसा किचन क्या दे दिया, मेरी अम्मा यहीं की होकर रह गई है. इतना शुक्र है मैंने जब अंडे लिए ना तो मेरे जहन में आ गया कि नमक काली मिर्च भी ले लूं. हाँ वो देखो वो भी लेके आई. अच्छा मेरी अम्मा जो है ना वो नमक और काली मिर्च भी खरीद के लाई. नहीं ये तो मेवे और अखरोट है. पूरे घर वाला माहौल बना चुके हैं हमारा, यहाँ पे किचन प्रॉपर रेडी हो चुका है. ये मम्मा के अंडे और यहाँ पे ऑलरेडी वाला हाल बना हुआ है. इस लड़की ने जो है ना वो ये हाल किया है. ये जब भी मैं अंडे छीलने लगती हूँ ना तो मुझसे सही नहीं एक अंडा छिला जाता है. ये देखो ये टूट गया. हाँ ये देखिए एक नहीं ये सात सब पे आपने ये टुक टुक मार दी. चार ठीक छिले ये नीचे. चले मैं दो मिनट में फ्रेश हो रही हूँ. दो मिनट में बस मैं जरा अपना मुंह ना ठीक कर दूँ, मुझे भी ना अंडा खाना. गुड मॉर्निंग. सो आज हम क्या करते हैं, आई विल शो यू गाइस, लेट्स गो. देखें इस कमरे के इस प्यारे व्यू में इतना सामान हमारा बिखर रखा है और यहाँ पे मैं अब करने लगी हूँ कपड़े इस्त्री. दोनों देखें अपने पागलों वाली हरकतें करना शुरू हो गई है यहाँ पे भी. ठीक है सो गाइस, अब लोग जो मैंने आपको सुबह दिखाया कि मेरी अम्मा नाश्ता बना रही थी तो वो नाश्ता तो फातिमा और हीरा ने कर लिया, अब वो सो गई है. मैं रबिया जैनब हम लोग जो है वो रह गए हैं. तो अब हम लोग भी अपने लिए कुछ रेडीमेड खा रहे हैं क्योंकि घर बनाने का बिल्कुल टाइम नहीं है. हम लेट होने, हमें एक्सप्लोर करने भी निकलना है. गाइस वी आर हियर एट सेंटोरस. हम लोग यहाँ मॉल में पहुँच गए हैं और यहाँ देखते हैं कि हमें खाने पीने की चीज़ें तो मिल ही जाएंगी. हमने जहाँ पर अपार्टमेंट लिया है ना वहाँ पर आप सुकून से मॉल भी घूम सकते हैं और खाना शाना भी खा सकते हैं और शॉपिंग भी. सेल लगी हुई है, मेरी अम्मा ने बस यहीं पर आ जाना है. हम एक्सप्लोर करने आए हैं, सबसे पहले तो हम यहाँ का मॉल एक्सप्लोर कर रहे हैं. तो मजा आ रही है. दोनों देखे पीछे 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 ये बिली एलिश बन के आई. अपना दूसरा करना था ठीक है, दूसरे चीज के लिए किया है. हाँ यहाँ पे लोग ये ना समझे कि मैं मॉल इतना मेकअप करती हूँ. नहीं नहीं ये भी बिल्कुल ऐसी नहीं है और मैं भी ऐसी नहीं हूँ, मैंने भी कहीं और जाना. चले जी अब हम ना बुलंदियों की तरफ जाते हुए हैं. ठीक है तो ये मॉल जो है लाहौर के मॉल से काफी डिफरेंट है, मुनफरद है क्योंकि इसकी स्टोरीज जो है ना वो थोड़ी सी है, खुली खुली है. शेप इसकी फोर्ट्रेस मॉल जैसी है लेकिन जो इसकी विड्थ कहेंगे वो इसकी पैकेजेस मॉल की तरह बहुत ज़्यादा खुली भी नहीं, इम्पोरियम जैसी. तो बहुत मज़े का है, बहुत ऊंचाई है भैया यहाँ पे. अच्छा मैं आपको दिखा सकती हूँ, बस मेरा फोन ना जाए नीचे. ये इसका व्यू पहाड़ों पर जा रहे हैं क्योंकि ये मॉल पहाड़ों के आजू बाजू बना हुआ है. तो सो यू गाइस कैन सी हाई वो होता है यहाँ पे ऊपर जाने का और ये नीचे जाने का रास्ता होता है. यहाँ कोई डिफरेंट है,
माहौल अच्छा। मैंने भी इस ऑटो के साथ फोटो लेने, ऑटो अंकल वो देखो। हम लोगों को रेस्टोरेंट से कुछ नहीं मिला और हम लोग वापस यहाँ पे आ चुके हैं। अभी हमारी एक फैन आई थी ठीक है, और उन्होंने मुझे देखा कि आप वैसे कैमरे पर रियल में आप ज्यादा प्यारी हो। सबको कहा है इसको, केली को नहीं कहा। आप कहती हो मोटी लेकिन हम बिल्कुल भी मोटी नहीं होते हैं। सबको कहा यहाँ से गुजरते हैं ना तो लाइट, जब हम लोग यहाँ से गुजरते हैं ना तो मतलब जब प्यारे लोग गुजरते हैं ऑटोमेटिकली यहाँ ऊपर ही लाइट्स ऑन हो जाती है। जब मम्मा वो देखते हैं खूबसूरत लड़कियां उनके ऊपर रोशनी होनी चाहिए, ये इसमें लाइट हमें बताती है कौन प्यारा कौन नहीं प्यारा। देखें जी हम लोगों ने अंडे लिए, कुछ खाने पीने का सामान लिया, अब हम लोग यहाँ पे बनाने लगे अपना नाश्ता। अब इन लोगों ने जो अंडे खाए थे उनका हाल देख लें, सर्दियाँ छोड़ दी हैं, ये ऐसे ही है, अभी बाद में सफाई होगी। अब तो मुझे बहुत भूख लगी है, नगेट्स हैं और वो क्या था आलू वाले कटलेट्स, यस ये खाऊंगा मैं। देखें घर के किचन में भी पीछे नाश्ता लेने पहुंच जाती हैं, यहाँ पे भी पहुंच गई हैं। मम्मा आपने मुझे इतना अच्छा नाश्ता नहीं दिया, खुद देखा ये हम लोग अपनी खरीदारी खुद करके लाए। और यार जरा बेरे पहनी है, मैं आपको पहले बता दूं नाश्ता जो है ना वो बन रहा है, ये देखो प्यार और यहाँ इनका प्यार। मैं लिपस्टिक ऐसे पापा को कह रही है कि पापा जी कमेंट करते हैं ब्लॉग के नीचे खाना। पापा जब ब्लॉग देख लेंगे मैं उनके फेस के एक्सप्रेशन देख लेती हूँ, ठीक है हम वो रिकॉर्ड कर लेंगे। सो ये मेरा ब्रेकफास्ट बन गया, हाफ फ्राई एंड with whole grain bread with the beautiful view. So guys मैं आ गई हूँ तैयार होके, हम जा रहे हैं फैसल मॉस। मैंने आपको पिछले व्लॉग में बताया था कि हम लोग हर जगह जो हमें लगता है कि हमें एक्सप्लोर करनी चाहिए, तो मेरी बहनें भी उस हिसाब से तैयार हो गई हैं। मैं आपको अब सबसे मिलवाऊंगी एंड देन हम लोग निकलेंगे फैसल मस्जिद के लिए। और ये हमारी फातिमा है, कितनी खूबसूरत लग रही, प्यारी फ्रॉक ये तैयार हो गई और इसकी बन रही है यहाँ पे ओवरियो, शी इज लुकिंग प्रीटी। कल ये बैग लेकर आई थी भाई ये वहां से, कितना प्यारा लग रहा है। और ये है जी मेरी मम्मा जो कि शेडो में नजर नहीं आएगी, अभी सामने आएगी तो। और ये देखें ये मेरी, मेरे से पूछे बगैर मुझे वीडियो में ले रही है। आई विल चार्ज ज़ैनब, मानो आई विल चार्ज फॉर इट। मम्मा सब कुछ समेटते हुए, मम्मा जल्दी करें क्योंकि आपकी बेटियां तो शूट पे टाइम लगाएंगी। आप अच्छी लग रही है प्रीटी, मम्मा ने कुर्ता पहना नीचे जूता पहना, बट लेट्स गो गर्ल्स जल्दी करो, निकलो। मम्मा इनको डांटे, हाँ हाथ दिखाओ। ये देखें ये रिंग्स थी जो हम लोगों ने कल ली थी और इनमें से हल्कियां आज पे ये मैंने कुछ पहनी हुई है और ये मैंने पहनी हुई है। अभी राबिया के आपको लुक दिखाती हूँ, राबिया ने तो टोटल वो पहना हुआ है सर पे ना जिनकी हेड कैप है, मगर अभी हमें निकलना चाहिए, शाम बहुत हो गई है। ये देखें सूरज गुरूब हो रहा है, सूरज डूबा है यार, और यहाँ से निकलते हैं हम एक और सूरज जो हमारे घर का सूरज है उसकी जानिब गए। ओ माई गॉड अच्छी लग रही हो ये, लेकिन अभी के लिए पिक्चर्स के लिए पहले उतार देने वाला कि दुपट्टा ले लूंगी सर पे, नहीं कैप पहन के जो अच्छी लग रही हो नहीं तो मुझे दे दो मैं उसके साथ ले। ये कैसी लग रही है अभी कमेंट में, और मैंने ये देखा सूफी चोकर पहना है। इसको बलोची कहते हैं कि सिंधी या क्या इसको कहते हैं, हाँ पठानी पठानी बलोची सिंधी, अच्छा भाई बलोची कहते हैं सिंधी नहीं कहते। देखा मैं मस्जिद जा रही हूँ, मस्जिद जाती हूँ, मैंने ऐसे ही जॉब लेकर जाना क्योंकि जगह की इज्जत करनी चाहिए। एग्जैक्टली सच है, मैं ऐसे जाऊंगी। वैसे मैं साथ चूहे का अगर बिल्ली हट कर दे, एडी मोटी बिल्ली। आज फैन ने कहा था कि आप मोटी नहीं है, आप बहुत प्यारी हैं सर। राबिया बहुत प्यारी है और पतली भी है। आज मैंने किया डैडी को कॉल कि लोग नहीं निकल रहे थे तो हमें पापा के सहारे की जरूरत पड़ी है। पापा जी अब इनको बोले डांटे सर। सबसे पहले मैं क्या निकल रहे हैं हाँ। सबसे पहले मैं तैयार होके बैठी हूँ, ये कोई भी नहीं आ रहा। फातिमा सबसे ज्यादा लेट, फातिमा ये देखो सबसे ज्यादा रेडी रहती हूँ। फातिमा जल्दी चलो, पापा की बात करना ना पड़े तो कोई नहीं निकल रहा, मुझे पता था नहीं निकलना, निकलो चले अब हम चलते। पापा से बात करवाने के 50 मिनट के बाद ये लड़कियां निकल रही हैं। तो ये लड़की हमें सबसे ज्यादा लेट करवा रही है, रूम सर्विस वाले भी आ गए वो लोग अपना काम कर रहे हैं, यहाँ पे सफाई शुरू हो गई है और अब हम लोग निकलने लगे। लगा ये कहीं ना होटल की हो राबिया, मम्मा ऑटोमेटिक लाइट तो नहीं जली जो तुम कह रही थी, खूबसूरती को देख के लाइट जलती है। फाइनली हमारी मोस्ट वेटेड गेस्ट विद अपना टास्क आ चुकी है ये फ्रॉक पहन के, तो अब चलते हैं गाइस। हाँ अब देखें मेरी अम्मा एक फरार हो रही है कि फ्रिज में से कुछ लेना है, फ्रिज में से कुछ लेना है। देखो ओ मेरे से चली है वो, राबिया इत्काफ बैठी है, हम लोग जा रहे हैं, राबिया इत्काफ बैठी है। हम लोग निकल आए और ये देखें जी इस रोशनी में हम निकले और इस वक्त बज रहे हैं रात के 6। और अभी फातिमा पीछे बैठ के बोल रही थी कि हम लोग लाहौर से आए हैं और हम लोग फैसल मस्जिद देखने जा रहे हैं, लेकिन हमने कभी बादशाह मस्जिद नहीं देखी।
ये देखे जी उड़े पहाड़ फिर से दिखाते हुए आप लोगों ने कमेंट में उड़े पहाड़ तो जरूर कहना है कि करा कवल ने बहुत खूबसूरती आपको दिखाई है। अब मैं यहाँ पे ये व्यू ना आम आंख से देखने में बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रहा है, वीडियो में उस तरह से नहीं आ रहा, बट फिर भी मैं क्लोज करके दिखा देती हूँ। ये बादशाह मस्जिद है और ये उसके आसपास इतने सारे पहाड़ हैं। और इसके लिए हम लोग सुबह से तैयार हो रहे हैं, कैन यू इमेजिन, सारी दुनिया इधर ही आई हुई है, तो अब हम लोगों को लगता है देखना पड़ेगा। रश तो है क्योंकि देखिए ये लाइव अपनी आंखों से हमेशा बुक्स वगैरह पे देखी है, तो आज मैंने लाइफ में पहली बार ये जगह देखी है, तो अच्छा लग रहा है यार, अच्छा लग रहा है पहाड़ों के लोग। चले जी अब हम लगे हैं जी निकलने और हम फाइनली यहाँ पे पहुंच, और इन लड़कियों को गाड़ी से निकालना भी एक टास्क है, किसी टास्क से कम नहीं। और यहाँ पे भाई स्ट्रीट फूड बहुत ज़्यादा लगा हुआ है, और आसपास देख रही हूँ मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे बहुत ही कोई सूथिंग एनवायरनमेंट है, ग्रीनरी बहुत ज़्यादा है, पहाड़ पास में है। और ये इस वक्त बनी हुई है सेलिब्रिटी, और ये देखें इसकी फ़ोटोज़ ले रही हैं, वरना इनको हमेशा अपनी पिक्चर्स की पड़ी हुई है। तो अब हम लोग जाएंगे यहाँ से अंदर। वैसे ये इलाका, ये एरिया इस तरह का है कि यहाँ पर अगर आप सुबह में आओ ना तो इसका और ही लुक होगी, इसमें आप बहुत अच्छे। मेरी बहन इस वक्त कुल्फियाँ लेने खड़ी हो गई हैं, ये देखें जरा इसके काम, मानो ने लेनी है कुल्फी और मेरी मम्मी ने, मजे की खोए वाली। तो मैं और मम्मा इस वक्त यहाँ पे बैठ चुकी हैं क्योंकि अंदर जमात हो रही है, तो जब जमात खत्म हो जाएगी नमाज के लिए तो फिर हम लोग अंदर जाएंगे, फिर मैं आपको सारा अंदर का व्यू दिखा दूँ। गोलगप्पा खाया, मजे का यार, मैं खाना चाहती हूँ, मुझे भी खाना है गोलगप्पा, खाना फातिमा, आए गोलगप्पे लेके आते हैं। चलो मैं और फातिमा हम लोग लेने जा रहे हैं गोलगप्पे। हेलो भाई, एक ना ये चेक और कर दें आलू के साथ जी। अब देखो जी ये बाहर फुटपाथ पे बैठ के गोल गप्पे, अच्छे नहीं है, मीठी चटनी नहीं आती, मीठी चटनी नहीं है, मिली ही नहीं, मैंने बोला है उनको यार वो तो तुमने कूड़ेदान में फेंक दी है, अब तुम कह रही हो कि ले लो खा लो, बड़ी बदतमीज हो, मीठी चटनी के बगैर ही खा लो, मुझे भी टेस्ट कराओ एक और। इसको देखें जरा ये बेबे मास्क भी नहीं लेके, मानो के पास जो चीज आती है वो मानो गिरा दी देती है, मेरी नाक में मिर्च चली गई है, इसलिए तो मैं कह रही थी सूंघ के मत खाओ, तुम्हें आदत है चीज सूंघ। आगे वापस मेरी फैमिली जो है वो विजिट करके अब हम लोग वापस जा रहे हैं लेट्सी के, अब हम इस वक्त क्या चीज़ एक्सप्लोर करते हैं, नई चीज़ क्या हमें देखने को मिलेगी, तो लेट्सी। क्या 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 कर रही तुम सबके बाहर पापड़ खाओ, सबके नहीं, इसके साथ ऐसे ही प्यार कर रही हूँ, प्यार का तो जमाना ही नहीं है, बुशरा बाजी बिल्कुल बहुत प्यारी है, चलो निकलो। आंटिया मिनी कहती है हाँ ये वही तो वही है, तो मम्मा रुक कहती है जी जी, इधर कैसे आ गई जी जी, तो कहते नहीं वही तो वही, हम बिल सके जी जी में वही ये लड़कियाँ सोने लगी है फरार, कहीं से भी कार्ड आ जा रही है, अब तो सीक्रेट है ये, आप लोगों को बहुत जल्द दिखाऊंगी। ये जा रही है अपना, इनका जो अपॉइंटमेंट थी इस्लामाबाद में कहीं मुझे पता ही नहीं था ना, इसलिए फातिमा ने करवाई हुई थी, अब ये लोग जा रहे हैं वहाँ पे, और मैं बड़ी थक गई हूँ, मुझे बड़ी भूख लगी है, हम लोग कहीं खाने शाने पे जाएंगे, कहीं निकलते हैं, आप आगे क्या होगा आगे ये आपको अगले व्लॉग में पता लगेगा। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का व्लॉग बहुत पसंद आया होगा, इंशाल्लाह अगले व्लॉग में मुलाकात होगी, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर कमेंट एंड बेल आइकन तो जरूर प्रेस कर दीजिएगा, ओके बाय।